दोस्तों आइए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ सी। मतलब सबसे पहले सी का जब सबसे पहले डेवलप हुआ तब से लेके आज तक सी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं या फिर सी का हिस्ट्री क्या है वो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए मैं समझा देता हूँ। सबसे पहला वर्जन सी का जो आया था वो 1972 में डेनिस रिची इस साइंटिस्ट ने बनाया था। फर्स्ट वर्जन ऑफ सी प्रोग्राम इन 1972 बाय डेनिस रिची। उसके बाद उस प्रोग्राम को कर्निघन एंड रिची ये दो साइंटिस्ट ने मिलके 1978 में रिवाइज किया था। उसके बाद जनरली सी ये जो लैंग्वेज है वो क्लोजली यूनिक्स के साथ एसोसिएटेड है। मतलब सबसे पहले सी डेवलप हुआ, उसके बाद सी यूज करके यूनिक्स रीराइट किया था, वापस यूनिक्स जब डेवलप हुआ उसके अंदर फिर से सी प्रोग्राम डेवलप हुआ था। ऐसे मतलब वो यूनिक्स और सी जनरली एक दूसरे के साथ क्लोजली एसोसिएटेड है। उसके बाद सी में जो आइडियाज इम्प्लीमेंट की है वो BCPL इस लैंग्वेज थ्रू आई है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं आई। सबसे पहले BCPL ये जो लैंग्वेज है उसकी उसके आइडियाज बी लैंग्वेज में थी और उसी आइडियाज को फिर सी में इम्प्लीमेंट किया गया। इस तरह से सबसे पहले BCPL ये लैंग्वेज में कुछ आइडियाज थी जो उसके बाद बी लैंग्वेज में आ गई और उसके बाद वही कंसेप्ट्स या फिर वही आइडियाज सी लैंग्वेज में आ गई। इस तरह से इनडायरेक्टली BCPL ने सी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस किया है। केन थॉमसन इस बंदे ने 1972 में बेल लैब्स में बी लैंग्वेज बनाई थी और बी लैंग्वेज में जो आइडियाज आई थी वो BCPL इस लैंग्वेज थ्रू आई थी जो मार्टिन रिचर्ड्स इस साइंटिस्ट ने बनाई थी। उसके बाद आइए देखते हैं टाइपलेस और टाइप डेटा टाइप्स। मतलब BCPL और बी ये जो दो लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये टाइपलेस लैंग्वेजेस है और सी ये जो लैंग्वेज है जिसमें प्रॉपरली डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। इसका मतलब कि जो भी सी प्रोग्राम में आप अभी अगले कुछ टॉपिक्स में आप सीखोगे डेटा टाइप्स इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर वगैरह जो भी अलग अलग डेटा टाइप्स हैं जो सी में अवेलेबल है सी में वो डेटा टाइप्स अवेलेबल है, लेकिन BCPL और बी में वेरिएबल को टाइप नहीं दिया जाता, इसलिए उन लैंग्वेजेस को टाइपलेस लैंग्वेजेस कहा जाता है। मतलब इनमें डेटा टाइप डिफाइंड नहीं रहता इसलिए ये टाइपलेस लैंग्वेजेस हैं। 1983 में ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ये एक इंस्टीट्यूट है, इन्होंने एक कमेटी फॉर्म की थी और उस कमेटी को काम दिया गया था राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ सी प्रोग्राम या फिर राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ सी कंपाइलर या सी लैंग्वेज। तो अभी जो मार्केट में या फिर अभी जो आप सी प्रोग्राम या फिर सी कंपाइलर यूज करते हो या फिर सी लैंग्वेज जो आप सीखते हो उसके जो डेफिनेशंस है वो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने 1983 में बनाए थे या फिर 1983 में वो बनाने के लिए काम शुरू हुआ था। उसके बाद ANSI स्टैंडर्ड ये जो कमिटी फॉर्म हुई थी जो अभी सी का जो है सी लैंग्वेज जो अभी जो आप यूज़ करते हो या फिर हम जो यूज़ करने वाले हैं उसका डेफिनेशन लिखने के लिए जो कमेटी 1983 में फॉर्म हुई थी उन्होंने 1988 में ये ANSI स्टैंडर्ड या फिर ANSI सी का पूरा डेफिनेशन कंप्लीट किया। तो इसका मतलब जो भी हम लोग ANSI सी स्टैंडर्ड या फिर अगर हम बोलते हैं कोई कंपाइलर ANSI सी कंप्लायंट है तो इसका मतलब वो कंपाइलर ANSI सी के जो भी स्टैंडर्ड्स है या फिर ANSI के जो भी स्टैंडर्ड्स है वो सभी स्टैंडर्ड्स वो पर्टिकुलर कंपाइलर फॉलो करता है और उस स्टैंडर्ड को कहा जाता है ANSI सी स्टैंडर्ड और उस कंपाइलर को कहा जाता है ANSI सी कंप्लायंट कंपाइलर। तो इस तरह से ये पूरा हिस्ट्री सी प्रोग्राम का जो डेवलपमेंट शुरू हुआ था 1972 में और ख़त्म हुआ 1988 में
और 1988 से लेके आज तक हम लोग वही डेफिनेशंस, वही स्टैंडर्ड्स यूज करके सी प्रोग्राम या फिर सी कंपाइलर यूज वही कंपाइलर्स वगैरह यूज करके हम लोग सी प्रोग्राम लिखते हैं। धन्यवाद।